वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट, हम लोग क्या रिलेशन फंक्शन टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, और उसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को कंप्लीट दो वीडियो में कर चुके हैं, साथ ही साथ रिलेशन को भी सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, मैं सिंपल कहता हूँ लेकिन आप लोग के लिए वो टिपिकल होता होगा। लेकिन बच्चों, होता क्या है कि अगर आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है, पहले ब्रेन की साइकोलॉजी पे थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद तो लेक्चर कराना ही है, थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों ब्रेन क्या कहता है हमारा कि अगर आप किसी काम को, बच्चों अगर किसी काम को, कोई भी काम हो, ठीक है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, पढ़ना सबसे लास्ट में आता है, बाकी लोग क्या कहते हैं कि पढ़ना पहले आता है, मेरा कहना है पढ़ना सबसे लास्ट में आता है। तो ब्रेन की साइकोलॉजी ये है कि आप जैसा सोचोगे, बच्चों सबको पता है जैसा सोचोगे आप वैसे ही आपकी बॉडी एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसको कौन चला रहा है, उसको आपका ये मॉनिटर चला रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन है वो ये सबकी इंस्ट्रक्शन देता है। तो अगर आप सोच ले, ठीक है, कि ये काम कठिन है, कोई भी काम कठिन है, ठीक है, तो वो काम कठिन न होते हुए भी क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अब जैसे देखिए, सबसे कठिन काम क्या है, सबसे कठिन काम है, जैसे मैं एक दो काम गिनाना चाहूँ कि स्पेस में रहना, ठीक है, ये कि बहुत कठिन काम है क्योंकि बहुत टफ होता है, विदाउट ग्रेविटी रहना क्या होता है, बहुत टफ होता है। हम लोग ग्रेविटी में रहते हैं और अगर आप बाहर जाएंगे स्पेस में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर वो लोग जाते हैं, ठीक है, जैसे नील आर्मस्ट्रांग का आपने नाम सुना ही होगा, वो लोग आखिर गए ही है ना, तो उन्होंने क्या किया, दिमाग में उन्होंने सेट किया कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ। जिस दिन पास आपके अंदर आ गया, किसी के बताने से नहीं बच्चों, जिस दिन आपके अंदर ये जिस टाइम से आ जाएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट, तो वो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। क्यों? किसी काम को बच्चों कठिन तब कहते हैं जब उसको लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है, तभी तो वो कहा कठिन कहा जाएगा। लेकिन आज अगर अपने सराउंडिंग में देख लें, ठीक है, कि सराउंडिंग में देखें तो कोई काम मेरे ख्याल से कठिन नहीं है। लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट, जैसे फिल्म में आया था कि अगर टूथपेस्ट बाहर निकाल दिया जाए तो वो अंदर नहीं जा सकता है, और लोग कहते थे कि धनुष से अगर बाढ़ से अगर धनुष से बाढ़ एरो मतलब छोड़ दिया जाए तो वो वापस नहीं आएगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो भी पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो बस आपके ब्रेन की साइकोलॉजी है, अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे कि नहीं ये चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, आसान कठिन बच्चों कुछ नहीं होता है। आप देखे होंगे कि जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको चीज़ें कठिन लग रही होंगी, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ टेंथ की या नाइन्थ की बात कर लेते हैं, तो नाइन्थ में जो टॉपिक पढ़ते थे आप, उस टाइम बहुत लगता था कि अरे सर बहुत कठिन है, कैसे हम करेंगे। अगर आज वही टॉपिक आप उठा के देखें तो क्या वो आपको कठिन लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने डेवलप कर लिया है वो कैपेबिलिटी कि उसको आप चीज़ें अब क्या लगेंगी, आसान लगेंगी। तो वही यही चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप ब्रेन में ये सेट कर लेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, इसको कठिन नहीं है, ठीक है, तो बहुत होगा कि वीडियो को दो बार देखना पड़ेगा, पाँच बार देखना पड़ेगा, पचास बार देखना पड़ेगा, यही ना होगा, लेकिन चीज़ें तो हो जाएंगी। ठीक है, चीज़ें तो होंगी, समझ में आएंगी। तो आपको पहले ये क्या करना है कि दिमाग में सेट करना है कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं, मतलब आपके पास उतना उतना जो है आईक्यू है, उस लेवल का आईक्यू है कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बस आप क्या करते हैं, दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि ये बहुत कठिन है, बाकी तो हम लोग हैं ही ना सब कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए, तो पहले मेंटली प्रिपेयर होइए कि नहीं ये चीज़ें आसान है, मैं कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं इसके क्वेश्चन आएगा तो बना लूँगा, तब आप डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई थोड़ी सी ब्रेन के साइकोलॉजी की। अब जो बच्चे नए इस चैनल पे आए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है आज से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फंक्शन का ये फर्स्ट लेक्चर है और फंक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी टॉपिक नहीं चाहता कि आप अच्छे से ना सीखो, वो भी चाहता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि बहुत जगहों पे कराते नहीं है पूरा, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसको अच्छे से करा दिया जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन नए बच्चों को क्या करना है कि जो प्लेलिस्ट है रिलेशन फंक्शन की, साथ ही साथ इसके पहले वाले चैप्टर की और भी जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको वो विजिट करके देख लें, ताकि उन सब वीडियो में क्या है, बाकी वीडियो देखिए हम भी देखते हैं बाकी वीडियो, तो उसमें क्या होता है लैंग्वेज का फर्क होता है बच्चों। ठीक है, लैंग्वेज का फर्क होता है, सिंपल और ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए। कोई भी टीचर अगर आपको तभी अच्छा लगता है जब उसकी लैंग्वेज क्या हो बच्चों, अंडरस्टेबल हो, ईजी हो, ठीक है, तभी आप उसको लाइक करेंगे।
तो मैंने कोशिश की है कि जितना इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं मैं समझा दूँ, ठीक है। बाकी आप लोग देखेंगे तो खुद ही बताएंगे हमें, ठीक है। तो वो सब वीडियोस को आप पहले देख लीजिए। दूसरी बात, पेन और पेपर लेके बैठिए। ये तो सर आप एकदम कह कह के एकदम परेशान कर दिए, लेकिन मैं हर वीडियो में कहूँगा, क्योंकि अगर आज से आप पेन पेपर लेके बैठना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो एक हफ्ते बाद, 10 हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपको फर्क जरूर महसूस होगा, क्योंकि पेन और पेपर साथ में लेके बैठने से, मैथ करने से मैथ आती है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल जैसे लगेगा कोई वीडियो चल रहा है, तो प्लीज़ मेरी ये जो एडवाइस है इसको जरूर एक्सेप्ट करिए और पेन पेपर के साथ काम स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं फंक्शन का लेक्चर। सबसे पहली बार बच्चे फंक्शन होता क्या, ठीक है। तो फंक्शन बच्चों कुछ नहीं होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक। तो कुछ नहीं होता है तो क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं बच्चों, थोड़ी सी चीज़ होती है, वही मतलब क्या है, बड़ी चीज़ है, मैंने उसको कहा है कुछ नहीं होता, मतलब ये एकदम आसान हो गया। तो इस फंक्शन का मतलब है सिंपली वर्क। क्या मतलब वर्क? अरे वाह सर, 9th में तो हमने वर्क पढ़ा ही है, तो वर्क मतलब हमको पता है कि कोई काम करना, ठीक। अब रिलेशन और फंक्शन ये दोनों अलग कैसे हैं ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। रिलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं ही, जैसे क्या है कि आपके आपके चैनल पे मैं ही फिजिक्स का लेक्चर बना रहा हूँ, मैं ही मैथ का लेक्चर बना रहा हूँ, मैं ही केमिस्ट्री का लेक्चर बना रहा हूँ, मैं ही इंग्लिश का लेक्चर बना रहा हूँ, यानी कि एक जो पर्सन है वो मल्टीपल वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? मल्टीपल वर्क कर रहा है। तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं रिलेशन। क्या कहते हैं? रिलेशन। यानी कोई अगर सिंगल एंटिटी है, सिंगल एलिमेंट है किसी सेट का, सेट को बस फिर से रिलेट करेंगे, कोई सिंगल सेट है, अगर वो एक साथ बहुत सारे सेट के एलिमेंट से क्या करता है, मैपिंग करता है, वर्क का मतलब क्या हो गया बच्चों? मैपिंग। रिलेशन में सीखेंगे, यानी उस किसी एक सेट के एक एलिमेंट को एक से ज्यादा वर्क असाइन है, समझ रहे हैं, ऐसे समझते हैं। चलिए जैसे ये सेट हो गया, इसमें सेट है हम, मतलब आर यानी कि राजेश सर, और ये बना रहे हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, फिर साथ ही साथ ये SST का भी बना ले रहे हैं और इंग्लिश का, यानी कि ये जो टीचर है ये एक सेट का एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ कर रहा है, यानी मैं काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं मल्टीपल एलिमेंट के साथ क्या हूँ? अटैच हूँ। तो इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़े हैं, रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन तो आपको समझ में आ गया, तो फंक्शन की जरूरत क्यों हुई? तो फंक्शन की जरूरत इसलिए हुई कि यहाँ पे क्या हुआ, इससे आपको डाइवर्सिटी नहीं मिली। एक ही टीचर को हर वीडियो में देखना हो रहा है, तो उसके समझाने का, जैसे हर सब्जेक्ट में समझाने का जो कॉन्फिडेंस होगा वो इस लेवल का नहीं होगा। जैसे मैं मास्टर हो सकता हूँ 2 सब्जेक्ट का या 3 सब्जेक्ट का, लेकिन हर सब्जेक्ट को मैं उसी कॉन्फिडेंस से नहीं पढ़ा सकता हूँ जिस कॉन्फिडेंस से मैथ और फिजिक्स या फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। तो यानी यहाँ पे जो है इफिशियंसी घट जाती है इन जनरल टर्म। तो फिर अब क्या किया गया, फिर दूसरा काम ये किया गया कि ठीक है, अच्छा एक जो सर थे हम थे, हमने दूसरे सर को और हायर किया, मतलब एम सर थे फिर एस सर को हायर किया, यानी इन दोनों लोगों को और हायर किया, और मैं केवल मैथ देखता था और ये टीचर केवल फिजिक्स देखते थे और ये यस टीचर जो थे ये केमिस्ट्री देखते थे। तो इन दोनों में क्या हुआ, बस वर्क का क्या हुआ है, वर्क करने के तरीके में अंतर आया। यहाँ पे क्या हुआ, एक ही पर्सन सभी वर्क कर रहा था, और यहाँ पे क्या हुआ था, एक पर्सन एक ही वर्क कर रहा था। तो अब आते हैं मैथ्स में, समझ में आ गया। तो अगर एक पर्सन मल्टीपल काम करता है, ठीक है, तो वो क्या है, आपका रिलेशन है, और अगर एक पर्सन एक ही टाइम पे एक ही काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक। तो जनरल लाइफ में समझ गए बच्चों, अब इसको मैथ्स में अप्लाई करते हैं। तो ये जो है पर्सन, ये क्या है, सेट का पार्ट होगा, ठीक है, और ये जो वर्क है ये भी तो सेट का पार्ट होगा, और ये जो पर्सन है ये सेट के एलिमेंट कहे जाएंगे, और ये जो वर्क है ये भी क्या कहा जाएगा, सेट का एलिमेंट। तो अब हमको क्लियरिटी हो गई कि जब एक सेट में एक एलिमेंट दूसरे सेट के मल्टीपल एलिमेंट से लिंक हो, जिसको हम कहते हैं मैप्ड हो, डायग्राम के टर्म में क्या हो, मैप्ड हो, तो हम उसको कहेंगे रिलेशन है। और अगर एक सेट का एक एलिमेंट केवल और केवल दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से जो कि यूनिक होगा उससे मैप्ड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया।
अब इसको ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की थ्योरीज के बारे में। इन दोनों में बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है, क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं इतना एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे आप ही हैं, मैं हूँ, मैं आपको कह दूँ कि अच्छा आप कहीं जा रहे हो, जैसे कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं तो ये सामान लेते आना, वो ले लेना, अच्छा वहाँ भी विजिट होगा, तो आपको मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल काम असाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, रिलेशन हो गया। और मैं कहूँ कि ठीक है अच्छा केवल वहीं जाना और वहीं से लौट के चले आना, तो मैंने आपको क्या किया, केवल एक वर्ग असाइन किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक, तो अब हम कहते हैं फंक्शन को, यानी कि इट इज वन टू वन मैपिंग। क्या कहते हैं बच्चों, वन टू वन मैपिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट इज कॉल्ड फंक्शन। क्लियर है बच्चों, क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। तो अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, तो देखा बच्चों कितनी आसानी समझिए, आसान था ही, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि फंक्शन की डिफिनेशन क्या है। तो फंक्शन की डिफिनेशन है बच्चों, वन टू वन मैपिंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग होने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, काम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको दिखाते कैसे हैं, तो डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो डिनोटेड जैसे था बच्चों रिलेशन था, वैसे ही ये है, ठीक है, जैसे ए से बी में हो रहा है तो ए बी रिलेशन, ए फंक्शन बी, ऐसे फिर कहिए थे, ठीक है, फिर हम बताए थे ऐसे, आपको ऐसे भी बताए थे, ठीक है। तो इन तीन तरीके से आप फंक्शन को दिखाते हैं, ठीक। अब इसके भी डोमेन रेंज होते हैं, तो बस बेसिक डिफरेंस यही है बच्चों, ठीक, तो इसको भी समझ लेते हैं, यानी इसका भी एरो डायग्राम होता है, तो एरो डायग्राम होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक। तो जैसे हमने फंक्शन मान लीजिए लिख दिया, ठीक है, आपको लिख दिया 1, a 2, b 3, d, ठीक है, और इसको कह दिया एरो डायग्राम में बनाते हैं। फंक्शन और रिलेशन में बस बच्चों एक ही डिफरेंस था, बाकी सारी चीजें वही की वही है, ठीक है, रिलेशन में जैसे टर्मिनोलॉजी थी वैसे इसमें होगा। तो ये सेट ए बना दिए और सेट बी बना दिए, यहाँ पे आप सेट ए लिख पा रहे होंगे ऑर्डर्ड वाले से 1, 2, 3, और सेट बी लिख पा रहे होंगे ऑर्डर्ड वाले क्लास से बच्चों ए बी डी। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखे हैं, वो पहले लेक्चर को जरूर अटेंड करें, ठीक है। ऑर्डर्ड पैरामीटर यानी सेट ए में कौन से एलिमेंट हो गए बच्चों, सेट ए में हो गए 1, 2, 3, सेट बी में ए बी डी, और ये यूनिकली डिफाइन है 1 से a 2 से b 3 से d, ठीक है, यूनिकली डिफाइन है। अब आते हैं कुछ टर्म पे, तो रिलेशन में हमने क्या कहा था कि जो दो सेट ए में होंगे उनको क्या कहेंगे, डोमेन, यहाँ भी वही है। जो सेट बी में होंगे वहाँ क्या होंगे, कोडोमेन, यहाँ भी वही है। और जो मैप्ड होंगे बच्चों क्या होंगे, जो मैप्ड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, रेंज, यहाँ भी वही है, रिलेशन भी वही है। मतलब अगर हम प्रिसाइजली कहें तो रिलेशन और फंक्शन में बस एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग एसोसिएट हो सकते हैं और यहाँ पे केवल एक ही लोग एसोसिएट हो सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे डोमेन का था वही यहाँ है, जो कॉन्सेप्ट वहाँ रेंज का था यही है, और जो कॉन्सेप्ट कोडोमेन का था यही है, बस एक चीज़ बदला है, आर की जगह यफ लिख दिए हैं और मैपिंग का स्पेशल टाइप हो गया है 1 to 1। वहाँ पर मैंने किसी तरह का बाउंडेशन उस पर नहीं लगाया था, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, एक से कई लोगों की मैपिंग हो सकती थी, ठीक है, लेकिन फंक्शन में क्या करेंगे, 1 to 1 मैपिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फंक्शन के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बच्चों आएंगे तो फंक्शन के टाइप्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टाइप आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो उसमें देखेंगे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाया जाएगा, फिर डोमेन रेंज के दो क्लास लेंगे जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन के साथ।